हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा मंत्री से सेवन्थ फेज के अभ्यर्थी ने कुछ बातें की है। क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा? उन्होंने कहा कि एक दो महीने और लग सकती है सेवन्थ फेज के आने में। ट्रैक सुनते हैं उनके बीच हुई वार्तालाप को। सर, हम सातवें चरण के अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो बोलिए सर। माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ना? हाँ, बोल रहा हूँ सर। कल जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो हुआ है सर, उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी क्या करे? कोई आश्वासन सर आपके तरफ से नहीं आ रहा है सर। आखिर कब तक हम लोग इंतजार करें सर? पिछले चार साल से। जी बोलिए सर। मेरी बात सुन लीजिए जी। दूसरी सरकार को बनना हुआ जी, दो दिन ये हुआ ना जी। नई सरकार अपना सबकी समीक्षा कर रही है जी, और आपसे अपील किया जी। बहुत हाँ जी, है पता नहीं आप लोग देखे सुने कि नहीं सुने में कम नहीं जा जी। अपील किया कि अब थोड़ा दिन हो गया सर, हमें एक डेडलाइन दे दिया जाए ना सर कि सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। चार साल से आप किसी के बात पर यकीन नहीं हो पाता है सर। वो ठीक है, आपको तकलीफ हुई होगी, हम नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन नई सरकार आई, नए लोग आए जी, उस बात को लोग समझने में लगे हुए हैं। और हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेस्ट जरूर पूछे जी, और उन्हें कि मैं कब तो मैंने जो कहा आप लोग सब सुने, तो कम से कम इतना भी तो समझ करना चाहिए कि भाई हम उनको कह रहा है तो एक तरीके से मीट कर रहे हैं। उनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि आप 5 सितंबर तक का वक्त मांगे कि 5 सितंबर तक हम कुछ ना कुछ करेंगे। सब लोग सब अलग अलग बात बता रहा है, लेकिन लोग सर अभी भी हम लोग पटना में रहे हैं। लोग क्या बात, लोग क्या बता रहे भैया, इसे हमें तो हाथ में रखे शुरू होते हैं। बिल्कुल नहीं सर, हम आपके पास सर इसीलिए फोन किए कि हमारे अभ्यर्थी अभी भी हॉस्पिटल में। छोड़ दीजिए, देखिए अब फोन पर जो लंबी वार्ता होगी तो ठीक बात है। बिल्कुल नहीं, हमने अपना माइंड बताया, चीजों को लोग समझता है, देखता है, देखता है फिर अपना। हम तो नए लोग थे ना, लेकिन तो हमारा सब कुछ क्लियर था। सरकार परिवार 16 तारीख को सरकार परिवार गणित किया, 17 तारीख को हम प्रेस वार्ता किए, और हमको लगता है कितनी तारीख हो गया कल? 22 तारीख था कल सर। 22 तारीख ये 5वां दिन आप लोग आंदोलन शुरू किया। आंदोलन आपका आंदोलन के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आंदोलन 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 गायों का हथियार भी है, आंदोलन आपका हथियार भी है। लेकिन भाई सरकार को समझने, नई सरकार को समझने मिलने देना चाहिए। ये तो समझिए कि बच्चा पैदा हुआ आजादी सब कुछ, आजी सब जमान भी हो गया, हो गया फ्रॉड भी हो गया। अरे भाई, अब हमको लगता है आप लोगों के पीछे कोई है? कोई नहीं है सर, ये बात सर, ये साजिश की बात आप लोग न सोचे। आप लोग से हम लोगों के पीछे सर, हम लोगों के हाथों को मजबूत किए थे आप लोग, लेकिन आप लोग भी अपनी बात बता दिए। सुबह सुबह आपने फोन किया, मैं सबका फोन रिसीव करता हूँ, इसलिए आप ज्यादा परेशान है। बिल्कुल सर, हमको नहीं लगता है मंत्री श्री को फोन उठाते। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ था, बस अब यही बात हम कर रहे थे, अपनी अपना माइंड बता दिए, सरकार का माइंड बता दिए। और इतना हम यह भी कहें कि भाई इतना दिन प्रतीक्षा किए, थोड़े दिन और कर नहीं कर देगी सरकार, जब बहाली करेगी ही करेगी, संकल्प है उन लोगों का। भाई हो आपका कौन बात ऐसा बोले हैं कि नहीं किए? ठीक है सर, आपके लिए भी थोड़ा सा जल्दी कीजिए सर, हम कर देते हैं।